अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे वर्चुअल क्लासरूम के जो फीचर्स अवेलेबल हैं हमारे पास डिफरेंट, जिनके अंदर इंक्लूड होता है जैसे आपका ब्रेकआउट सेशन होता है, आपने मीडिया प्लेयर के अंदर को फाइल अपलोड करनी हो वो किस तरह करेंगे, आपकी जो फुटर्स पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं लाइक लाइव चैट कोड किस तरह कर सकते हैं, आप अपनी क्लास को पॉज या रिज्यूम किस तरह कर सकते हैं उन्हें, और भी जो जो फंक्शनैलिटीज इसके अंदर अवेलेबल, आज हम क्या करेंगे आपको वो जो भी फंक्शनैलिटीज हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर शो करवाएंगे। सो अब मूव करते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा हम वो देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अकाउंट के अंदर जो है ना वो लॉगिन होना पड़ेगा। आपको डिफरेंट जो है ना वेज हैं आपके पास लॉगिन करने के। फर्स्ट है आपके पास जो एक वेब एड्रेस डिफाइन किया गया, आप इस वेब एड्रेस को यहाँ से कॉपी करें और इसको जो है कोई भी वेब ब्राउज़र जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जस्ट पेस्ट कर दें। और क्या करें, आप डायरेक्टली अगर आपने लॉगिन पेज के ऊपर जाना है तो आपको यहाँ पर हमने एक URL प्रोवाइड किया, आप इस URL को यहाँ से कॉपी करें और पेस्ट करें। तो हम अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन होते हैं, हमने वो URL जो आपको डिफ़ाइन किया है आप उसको क्या करें वो लिखें, और वो लिखने के बाद आप क्या करें जी, तो हम क्या करेंगे अब लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट के अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो URL वहां से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद एंटर करेंगे तो वो क्या करेगा हमारे मेन इंटरफेस के ऊपर ले जाएगा जहां पे हमने साइन इन करना है, लॉगिन करना है। तो आपके पास जो ईमेल एड्रेस होगा वो और जो पासवर्ड आपके पास अवेलेबल है उसको यूज़ करते हुए आप साइन इन करेंगे अपने अकाउंट के अंदर। जैसे ही आप अकाउंट के अंदर साइन इन हो जाएंगे सक्सेसफुली, आफ्टर दैट आपने क्या करना होगा, आपने जो उसके डैशबोर्ड के ऊपर आपको एक फंक्शनलिटी अवेलेबल होगी ट्राई वर्चुअल क्लासरूम की, आपने वो वर्चुअल क्लासरूम को वहां से जाके लॉन्च करना है। तो अगर तो आपके पास डेस्कटॉप ऐप अवेलेबल है विज IQ की, तो आपकी जो डेस्कटॉप ऐप को यूज़ करते थे वर्चुअल क्लासरूम को लॉन्च करेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं की और इंस्टॉल नहीं की अपने सिस्टम के अंदर तो फिर वो क्या करेगा, आपकी जो वर्चुअल क्लासरूम है उसको ऑनलाइन ही वो जो है ना वो स्टार्ट कर देगा। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ट्राई वर्चुअल क्लासरूम है, आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपकी वो ऐप को जो अगर है तो वो इंस्टॉल करते हुए आपको वो वर्चुअल क्लासरूम के अंदर ले जाएगा। सो अब हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं जी। तो अब हम देख रहे हैं हमारा जो थर्ड स्टेप था हम वो है हमारा ट्राई वर्चुअल क्लासरूम ऑप्शन को यूज़ करने का। हमने जैसे ही वो ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो हमारी जो वर्चुअल क्लासरूम है वो लॉन्च कर देगा। अब आप जो हम मैं स्टेप फॉलो करने जा रहा हूँ आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट जो बाकी इस पॉइंट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करता चलूँगा स्टेप बाय स्टेप। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो है ना वो विज IQ का एक छोटा सा आइकन भी यहाँ पे बन गया है जो हमें शो करवा रहा है कि उसने डेस्कटॉप ऐप को यूज़ करते हुए आपकी एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया विज IQ। तो यहाँ पे हमारे पास जो अब हम सबसे पहले जिस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे वो हमारा होगा हमने जो ब्रेकआउट रूम होते हैं वो क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं उसकी और उसको हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेकआउट रूम की ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। आप इसको ऊपर क्लिक करें, एडिट रूम भी कर सकते हैं, गो टू रूम भी कर सकते हैं, मीन आप रूम को चेंज भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू 10 रूम्स जो है ना आप वो क्रिएट कर सकते हैं एक वर्चुअल क्लासरूम के अंदर। इसी तरह आप वो वर्चुअल क्लासरूम के अंदर अपने अटेंडीज को जो है ना मूव भी कर सकते हैं, मीन फर्स्ट अटेंडी को सेकेंड के अंदर मूव कर सकते हैं, सेकेंड को थर्ड के अंदर, और इस तरह आप रूम्स को जो है ना एडिट भी कर सकते हैं उनके नेम्स को, और रूम की जो हम उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। आपको शो करते हैं आप एडिट रूम की ऊपर क्लिक करें, आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे अभी कोई भी जो अटेंडी ऐड नहीं है इस हमारी क्लास के अंदर और ना ही हमारे पास कोई रूम अवेलेबल। तो क्रिएट न्यू रूम के ऊपर आप जाएंगे, जैसे ही आप जाएंगे तो वो आप देख रहे हैं एक रूम है, रूम वन के नेम से हमारा क्रिएट हो गया। तो आप क्रिएट रूम करेंगे तो वो क्या करेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो उसके बाद उसने क्रिएट न्यू रूम की ऑप्शन हमारे से ख़त्म कर दी। इट्स मीन दैट हम मैक्सिमम जो 10 जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। सो अब यहाँ से जाके आप इनको रीनेम भी कर सकते हैं, एडिट नेम करना, आपने रूम का नेम रखना है R1, आप उसको R1 कर दें, आपने सेकेंड का रखना है R2, आप इसको R2 कर दें, सो ऑन। आप इनको जो है ना वो एडिट भी कर सकते हैं और आप इनको यहाँ से जाके डिलीट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं डिलीट रूम, हमें 10 रूम नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से सिंपल जस्ट जाकर डिलीट रूम करेंगे, वो आपसे पूछेगा परमिशन, आप यस करेंगे तो हमारा वो रूम डिलीट हो जाएगा। साथ ही हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी क्रिएट न्यू रूम की। सो इस तरह हम रूम्स को नए जो ना वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको सेशन को स्टार्ट करना हो ब्रेकआउट रूम को तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप रूम्स को क्रिएट कर लेंगे उसके बाद जाएंगे स्टार्ट ब्रेकआउट सेशन के अंदर, हम इसको ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे हमें जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो हमें ऑप्शन अवेलेबल होगी एंड रूम की भी और स्टार्ट रूम की। स्टार्ट हो गया तो ही हम इसको एंड कर सकते हैं, पहले हमारे पास ये ऑप्शन नहीं थी। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम शो करवा रहे हैं यू आर इन मेन रूम, अब हम मेन रूम के अंदर हैं। आप मूव करना चाहते हैं सपोज रूम 6 के अंदर, तो आप क्या करें रूम 6 के ऊपर जाएं और गो टू रूम करें। जैसे ही आप गो टू रूम करेंगे
तो वो क्या करेगा, हमारा रूम शिफ्ट हो जाएगा मेन रूम से रूम 6 के अंदर। आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं, यू आर इन नाउ 6, रूम नंबर 6, आप मूव हो चुके हैं मेन रूम से रूम नंबर 6 के अंदर। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी जाके जो है ना वो मूव हो सकते हैं अपने रूम्स के अंदर। और यहाँ पे नो अटेंडी है, यहाँ पे आप अटेंडीज, जैसे ही आपके अटेंडीज सपोज 10 है, तो आप रूम 1 के अंदर फर्स्ट 2 रख देते हैं, रूम 2 के अंदर सेकंड 2 रख देते हैं, फिर 3 के अंदर, और अगर आप चाहते हैं रूम 3 के अंदर जो आपके अटेंडीज उनको मूव करें रूम 1 के अंदर करना है, तो आप वो यहाँ से जस्ट उन्हें पिक करें और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें जिस रूम के अंदर आप चाहते हैं। तो इस तरह हम अपने अटेंडेंस को मूव भी कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। आप रूम सपोज 10 के अंदर जाना चाहते हैं, गो टू रूम करें। आप जैसे ही गो टू रूम करेंगे, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा रूम 11 आ गया है। रूम 11 उसने हमें क्रिएट कर दिया, क्योंकि हमने रूम 10 क्रिएट किया था, तो दोबारा हमने उसको डिलीट कर दिया। जब नया बनाया है हमारे पास अवेलेबल 10 ही, लेकिन उसने अब उसको नेम 11 का दे दिया। इस तरह अब आप रूम 1 के अंदर जाना चाहते हो तो गो टू रूम करें। जैसे ही आप गो टू रूम करेंगे, आप ऊपर देख रहे हैं स्विच हो गया हमारा, यू आर इन रूम 1। तो ये था हमारा ब्रेकआउट सेशन। अब इसको आपने एंड करना हो तो यहाँ से जाके आप एंड ब्रेकआउट सेशन भी कर सकते हैं। जैसे ही आप एंड करेंगे, तो आपका जो वो होगा वर्चुअल क्लासरूम होगी, आप दोबारा उसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ से जाके आप उसको क्लोज कर रहे हैं। अब हम चलेंगे हमारी सेकंड ऑप्शन के अंदर, जो है हमारा पोल के अंदर। पोल क्या है, पोलिंग क्रिएट करेंगे। मीन आपने कोई क्वेश्चन करना है अपने क्लास के अंदर, और अपने अटेंडी से आप उसका आंसर चाहते हैं, आप चेक करना चाहते हैं भी कौन कौन से स्टूडेंट आपके जो लेक्चर को प्रॉपर सुन रहे हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, आप इनको भी पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश जैसे ही करेंगे, तो आपके वो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको वो शो हो जाएगा, और वहाँ पे ऑप्शन होगी 1 और 2 जितनी भी आपने गिवन की होंगी। जैसे ही वो आंसर करेंगे, तो आपको वो शो होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे नया भी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट अ पोल के अंदर आप जाएँ, आप अपना क्वेश्चन ऐड ऑन करें। जैसे व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आप ये एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप यहाँ नीचे ऑप्शन देते हैं रेड ब्लू। तो आप देख रहे हैं हमारे पास 2 ऑप्शन थे, तो हम यहाँ पे और भी ऑप्शन जो है ना वो ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी इस क्वेश्चन के अंदर। ऐड अनदर ऑप्शन करें, यहाँ पे जाके आप ग्रीन, फिर आप ऐड अनदर ऑप्शन कर सकते हैं येलो। तो जितनी आप चाहें यहाँ से जो है ना वो ऑप्शंस ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ से जाके आप जस्ट क्लिक करें, तो हमारे पास 6 ऑप्शन अवेलेबल हैं एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और 150 वर्ड्स जो है ना वो एक ऑप्शन क्रिएट करता है। तो आप यहाँ से जाकर उनको ऑप्शन को डिलीट भी कर सकते हैं। आप क्या करें, सेव पोल करेंगे तो वो आपका सेव हो जाएगा। वो जैसे मैंने आपको पहले 3 मेरे क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहे थे, और इस तरह सेव एंड शेयर करेंगे तो वो क्या हो रहा है, आपका सेव भी हो जाएगा और शेयर भी हो जाएगा आपके स्टूडेंट्स के साथ। अब यहाँ पे आपको उसने एक जो है ना पोल का वो व्यू से डिफाइन कर दिया है, ये हमारा है बार चार्ट के अंदर। तो जो क्या होगा, व्यू पोल करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन है, इस तरह वो स्टूडेंट को व्यू होगा। जैसे जैसे स्टूडेंट जिस जिस ऑप्शन को वो चूज़ करते हो अपना आंसर देंगे, तो आपकी इस रिजल्ट के अंदर वो ऑप्शन 1 है ज़्यादा लोगों ने किया, तो यहाँ से उसका ग्राफ इंक्रीज हो जाएगा। 2 है तो उसका इंक्रीज हो जाएगा, 3 है तो उसका हो जाएगा, 4 है तो उसका हो जाएगा। आप यहाँ से इसको स्विच भी करेंगे, स्विच करेंगे तो वो हमारा क्या है ऑप्शन, वो हमारी है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के अंदर भी ऑप्शन 1 के अंदर कितने स्टूडेंट ने आंसर दिया, तो वो 1 2 3 4 5, तो इस तरह वो सारी यहाँ पे आपको डिफाइन कर देगा। मीन ब्लू जिन लोगों ने किया तो ब्लू की लाइन ज़्यादा हो जाएगी, ग्रीन अगर किया तो ग्रीन की लाइन ज़्यादा हो जाएगी, ऑरेंज किया तो ऑरेंज की ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह थर्ड ऑप्शन है हमारे पास लिस्ट व्यू, तो लिस्ट व्यू करेंगे तो हमारे यहाँ पर भी शो करवा देगा अभी अटेंडीज 1, अटेंडी 1 ने कौन सा आंसर चूज़ किया, अटेंडी 2 ने कौन सा आंसर चूज़ किया, 3 ने कौन सा किया, 4 ने कौन सा किया। तो इस तरह हम अपने लेक्चर के अंदर पोल जो है ना वो उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा, वो हमारा ऑप्शन है वो है मीडिया प्लेयर का। अब आप मीडिया प्लेयर लाइव कोई भी आप अपने क्लास के अंदर जो वीडियो आप शो करवाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, कोई भी यूट्यूब की फाइल है, कोई भी और फाइल है जो आप ऑनलाइन उन्हें जो है ना डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आपको वो भी अपनी क्लास के अंदर ही जो है ना वो अपने स्टूडेंट को शो करवा सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उस वीडियो का जो लिंक जो है ना वो जस्ट यहाँ पे डिफाइन कर। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ जाके उस लिंक जो है ना हमें वो प्रोवाइड करना पड़ेगा उस वीडियो का। आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो है या कोई भी ऑनलाइन वीडियो है, आप यहाँ पे अपने क्लास के अंदर वो अपने स्टूडेंट्स को शो करवा सकते हैं। आप यहाँ से जस्ट उसका लिंक आप कॉपी करके पेस्ट करें, आप इसको ऐड टू प्लेलिस्ट भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारा वो लिस्ट के अंदर ऐड ऑन हो जाता है। इस तरह आप सेकंड जो है ना वो अपना लिंक जो कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें, और फिर ऐड टू प्लेलिस्ट, इस तरह आपके वो मल्टीपल जो है फाइल्स यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे, और जिसको आप चाहेंगे वो वहाँ से जाके वो आपके प्ले करके उन्हें शो करवा सकते हैं।
आप प्ले के बटन को प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारी ऑनलाइन वीडियो की जो स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देगा। स्ट्रीम करने के बाद हमें क्या करेगा, वो अपनी क्लास के अंदर ही हमें वो वीडियो को ऑन जो है ना वो करके यूज़ करके दिखा देगा या आपको चला कर दिखा देगा। जिस तरह आप ऑनलाइन वीडियो देखते हैं सेम एज इट इज़ आप अपनी क्लास के अंदर भी अपनी उस वीडियो को जो ना वो ऑन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी जो ऑनलाइन वीडियो थी वो उसने एज इट इज़ जो यूट्यूब पे जैसे वो स्टार्ट करते हैं एज इट इज़ उसने हमें अपनी क्लास के अंदर भी हमें डिफाइन कर दी। इस तरह आप ये सारे आपके जितने भी स्टूडेंट होंगे उन्हें ये विजिबल होगी यूट्यूब की वीडियो। आप यहाँ से जाकर उसकी वॉइस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको नेक्स्ट भी कर सकते हैं, आप इसको जाके जहाँ पर आप इसको लेके जाना चाहें जैसे आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं आप एज इट इज़ यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा मीडिया प्लेयर को हम किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर, अपने स्टूडेंट्स को शो किस तरह करवा सकते हैं कोई भी ऑनलाइन वीडियो यहाँ पे अगर शो करवानी हो। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप, फाइल्स को हमने अपलोड किस तरह करना है। तो आप यहाँ पे अपलोड के ऊपर जाएं, आपके पास कोई भी फाइल जो आप अपनी इसके अंदर ऐड करके चेक करना चाहते हैं तो आप उसको जस्ट फाइल का पाथ डिफाइन करें उसके बाद ओपन कर दें। आप जैसे ही ओपन करेंगे तो क्या करेगा, हमारी वो फाइल को अपलोड करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपकी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, जितनी अच्छी आपकी नेट की स्पीड होगी उतना ही अच्छा आपकी जो होगा वो फाइल होगी वो जल्दी अपलोड हो रही है। तो इसके लिए एक प्रॉपर वे या बेस्ट वे जो आपके पास वो यूज़ होगा वो हमारा होता है कॉन्टेंट लाइब्रेरी, जो हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। कॉन्टेंट लाइब्रेरी क्या चीज़ है, कॉन्टेंट लाइब्रेरी वो होती है हमारी एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम पहले से ही जो जो फाइल्स हम चाहते हैं अपनी क्लास के अंदर यूज़ करना उनको सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद किसी भी क्लास के अंदर आप वर्चुअल क्लासरूम के अंदर जो है ना वो आपकी फाइल सेव पड़ी होगी, आप जस्ट उसको वहाँ पर जाएँ कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर, आप उसको जाके जहाँ उसका नाम अगर आपको याद है तो उसके नेम से सर्च कर लें या यहाँ आप उसको क्या कर दें जस्ट ऐड टू क्लास। जैसे हमारे पास है सपोज सेकंड ऑप पे हम जाके देखते हैं कौन सी जो जो फाइल्स पड़ी हुई हैं, हमें कंप्यूटर साइंटिस्ट तो ये वाली हम ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट उसको ऐड टू क्लास करें। ऐड टू क्लास जैसे ही आप करेंगे तो वो क्या करेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे उसने फ़ौरन जो है ना हमें वो फाइल को अपलोड करके यहाँ पे अपनी क्लास के अंदर शो करवा दी है। आप यहाँ पे सेकंड फर्स्ट में भी देख सकते हैं हमारी वो फाइल बहुत टाइम टेक करी क्योंकि वो नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका बेस्ट वे है, आप उसको पहले से सेव करके रख लें और उसके बाद आप अपनी उसको प्रेजेंटेशन को या जो भी फाइल है आप उसको अपनी क्लास के अंदर यूज़ कर लें। इस तरह आप नेक्स्ट भी ऑप्शन के ऊपर जा सकते हैं, आप यहाँ से जाके वो स्लाइड को चेंज भी कर सकते हैं, जो स्लाइड आप चाहें वो उनको यहाँ पर वो शो भी करवा सकते हैं। तो ये था हमारा हमने किस तरह फाइल को अपलोड करना है या उसके बाद हमने कंटेंट लाइब्रेरी जो उसके अंदर हमारे पास जो जो फंक्शनलिटीज वो उसको किस तरह यूज़ करना है। तो मैं जैसे यहाँ से इसको जाकर कैंसिल कर रहा हूँ। इस तरह ये आपको फंक्शन बता दिए, इसके अलावा अब आपको फंक्शन बताने जा रहे हैं वो है हमारा वाइट बोर्ड के बारे में। आप ये वाइट बोर्ड देख रहे हैं, आप इस वाइट बोर्ड को क्या कर सकते हैं, वाइट बोर्ड का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, सपोज ब्लैक बोर्ड कर सकते हैं, ग्रीन बोर्ड कर सकते हैं, या आप क्या चाहते हैं उसको ग्रे बोर्ड करना हो, जिस तरह का आप कलर चाहें वो उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रीनेम करना है सपोज वाइट बोर्ड WB1 के नेम आप उसको देना चाहते हैं, WB1 कलर है, आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं आप इसका कलर कहते हैं, आपका ब्लैक बोर्ड हो जाए तो ब्लैक बोर्ड हो जाए, आप इस कहते हैं इसका कलर जो है वो ग्रीन बोर्ड रहे तो ग्रीन कलर हो जाएगा। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ये हम इनको रीनेम कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारी टेक अ स्नैपशॉट। अगर आपके पास कोई ऐसा स्टाफ है जो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगे और आप उसको फर्दर यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने इस जो ग्रीन बोर्ड है या वाइट बोर्ड है पूरा इसका स्नैपशॉट लेके सेव भी कर सकते हैं। आप टेक अ स्नैपशॉट के ऊपर जाएँ तो वो क्या करेगा, आपके स्नैपशॉट उसने ले लिया, अब वो आप पूछ रहा है पाथ आपने सेव कहाँ पे करना है, तो आप उसको जस्ट पाथ डिफाइन करें और पाथ डिफाइन करने के बाद उसका नेम दें और नेम देने के बाद आप उसको सेव कर दें। तो आपको क्या करेगा, वो फाइल को या आपका जो वाइट बोर्ड होगा उसको या ग्रीन जो भी आप फाइल चाहेंगे आपको उसका स्नैपशॉट उसने सेव कर दिया होगा उस पाथ के ऊपर। तो उसके बाद है हमारा टॉगल ग्रिड व्यू। आप इसको क्या करेंगे, जैसे ही आप उसको ऑप्शन यूज़ करेंगे तो हमारा उसने ग्रिड जो है ना बना दी है, आप देख रहे हैं यहाँ आप उसने स्केल्स जो है ना वो डिफाइन इनको जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ग्रिड्स के अंदर, डिफरेंट ग्रिड्स के अंदर। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसकी जो है ना जो ऑप्शंस हैं टूल बार्स की, टूल बार्स क्या क्या चीज़ें हैं और उनको यूज़ किस तरह हमने करना है। सो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्शन टूल की। सिलेक्शन टूल नेम से जैसे डिफाइन करता है कि सेलेक्ट करने के लिए कोई भी चीज़ को, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ड्रॉ करें अपनी, सपोज मैं यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ये स्केल ड्रॉ कर देता हूँ,
अब आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है। आप ये सेलेक्ट नहीं कर सकते कोई भी चीज़ जब तक आपके पास सिलेक्शन टूल आपके पास नहीं होगा। आप सिलेक्शन टूल के ऊपर जाएं और जो चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है उसके ऊपर जाके क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके पॉइंट्स जो है ना वो बता देगा। आप इसको अब इनलार्ज भी कर सकते हैं, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, जिस तरह आप अब चाहें आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसका जो है ना ब्लू कर दिया, आप इसका इनर कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आप वो इसका इनर कलर रख सकते हैं, आप इसका आउटर कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आप इसको जो है ना वो थिकनेस को जो इसकी होगी मीन आपकी जो आउटलाइन होगी इसकी थिकनेस को इंक्रीज भी कर सकते हैं, आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं जितना आप चाहें। सो ये था हमारा फर्स्ट जो है ना सिलेक्शन टूल। अब हम क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारी पॉइंटर टूल। पॉइंटर टूल जैसे पॉइंट डिफाइन करना, आप अपने पूरे व्हाइट बोर्ड के अंदर डिफरेंट आपके पास स्टफ जो ना वो अवेलेबल है, लेकिन आप क्या कहते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। अब आपको स्टूडेंट से उनको नहीं पता चला अभी आप किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप पॉइंटर टूल लें और उस पॉइंट के ऊपर जाकर जस्ट क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आप देख रहे हैं वो एक सर्कल सा उस पॉइंट के ऊपर बता रहता है, जिस तरह वो जो स्टूडेंट्स हैं उनका सारा जो होगा फोकस होगा वो उस पॉइंट की तरफ चला जाएगा जहाँ पे आप वो क्लिक करेंगे। तो ये पॉइंट डिफाइन करने के लिए स्पेसिफिकली। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो है वो है फ्री हैंड टूल। जैसे फ्री हैंड टूल है आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए जो यूज़ कर सकते हैं। ये आपको रफ सा स्केच बना के दे देगा, जिस तरह आप चाहेंगे आप इसको फ्री हैंड जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। फ्री हैंड के नेम से है मतलब फ्रीली है, कोई इसके ऊपर आपकी किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इसको जहाँ जैसा जहाँ चाहें जैसे चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये अगर आपके पास टच स्क्रीन है तो आप क्या कर सकते हैं फ्री हैंड टूल को लेके, तो आप अपनी टच स्क्रीन के ऊपर जाके आप उसको जिस जिस तरह ड्रॉ करेंगे तो आप वो जो आपका फ्री हैंड टूल होगा वो आप उसी तरह जो है ना वो जो आप चीज़ ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है टेक्स्ट की। हम टेक्स्ट भी अपनी स्लाइड्स के अंदर या अपने व्हाइट बोर्ड के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। कुछ आपने टेक्स्ट ऐड करना है जैसे वेलकम टू द इंट्रो क्लास, आपने ये लिख दिया है। अब आप क्या कहते हैं इसको और भी जो है ना, अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना है तो आप और भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जाकर आप दोबारा टेक्स्ट ऐड कर दें, दिस इज द डेमो लेक्चर ऑफ आइस। सपोज मैंने ये दो लाइन लिख दी, आप इनको जाके अब यहाँ से आप ने अगर देख रहे हैं आप अगर मूव करना हो तो मैं इसको जो है ना वो मूव नहीं कर सकता, उस वक्त तक मूव नहीं कर सकता जब तक मेरे पास सिलेक्शन टूल अवेलेबल नहीं होगा। जैसे ही मेरे पास सिलेक्शन टूल अवेलेबल होगा मैं उसको कहीं भी जो है ना वो उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ अपने पूरे हमारा जो है व्हाइट बोर्ड के अंदर। सो आप इसको डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद इसका आप इनर चेंज भी कर सकते हैं। इनर कलर आप देख रहे हैं बैकग्राउंड का कलर वो जो है वो हमारा उसने लाइट ब्लू कर दिया जो आपने कहा था। अब आप जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज करना चाहते हैं, लाइट पिंक करना चाहते हैं, तो वो देख रहे हैं आपने टेक्स्ट का कलर उसने पिंक कर दिया है। आप डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करें, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, साइज डिक्रीज भी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और स्क्रिप्ट जो है ना वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आप उसके अलावा टेक्स्ट हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, हाईलाइट कर देगा। उसके अलावा मैथमेटिकल सिंबल्स भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अपने सपोज मैं यहाँ पे जाके ये सिंबल ऐड करना चाहता हूँ तो वो क्या करेंगे, जैसे ही आप उस सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वो सिंबल होगा वो ऐड ऑन कर देगा। इस तरह आप मैथमेटिकल सिंबल्स भी अपने यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा टेक्स्ट टू, सॉरी टेक्स्ट टू के बारे में। आप जैसे ही मैंने आपको फर्स्ट बताया इसी तरह हमारा टेक्स्ट टू के ऑप्शन अवेलेबल है। आप कुछ भी यहाँ पे राइट डाउन करेंगे लाइक इंट्रोडक्शन लेक्चर, इसी तरह आप इसको जो है ना वो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इंक्रीज भी कर सकते हैं आप इसका कोई भी, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, मैथमेटिकल सिंबल भी सेम एज इट इज जैसा हमने पहले बताया आपको यूज कर सकते हैं आप। सो अब हम आपको बताएंगे अब कुछ हमारे पास शेप्स पहले से प्री डिफाइंड पड़ी है, आपको खुद बनानी नहीं पड़ेंगी। जैसे रेक्टेंगल है हमारा, एक्लिप्स है, या लाइन है, या ट्राइंगल है, तो आपके पास पहले बनी बनाई अवेलेबल है। आप इसको जस्ट क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इसको ड्रॉ कर दें। तो
आप देख रहे हैं हमारी, जैसे ही आपने क्लिक किया और जहाँ तक आप ड्रॉ करेंगे तो हमारी वो जो है वो रेक्टेंगल उसने ड्रॉ कर दी है। इसकी एक और भी फंक्शनैलिटी वो ये है, आप इसका चाहते हैं कलर जो है ना वो सेम रहे, लाइक आप यहाँ से जाके थीम कलर के अंदर आप थीम कलर करना चाहते हैं सपोज ग्रीन वाला, तो अब आप जो भी ड्रॉ करेंगे तो जिस कलर जो कलर आपने सेलेक्ट किया है उस कलर की जो है ना वो ड्रॉ हो जाएगी। आप देख रहे हैं पहले हमारा सिंपल ड्रॉ हो रही थी, लेकिन अब जैसे ही हमने सेलेक्ट किया कलर को तो अब हम जिस कलर को हमने सेलेक्ट किया जो भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं उस कलर की ड्रॉ हो रही है। सो इस तरह आप पहले से जाकर कोई भी उन्हें अपनी अगर आपने कोई कलर देना तो कलर का जस्ट वहाँ पर थीम सेलेक्ट करें और उसके बाद आप क्या करें आप वो चीज़ ड्रॉ करनी स्टार्ट। इस तरह आप क्लिप्स है तो आपने क्लिप्स का अगर कोई कलर नहीं दिया हुआ तो आप देख रहे हैं वो उसने सेम एज इट इज़ डिफाइन बना दिया, लेकिन अगर आप उसको जाके कलर उसका पहले से पिक कर लेंगे सपोज येलो आपने कलर पिक किया, अब आप जो ड्रॉ करेंगे वो क्या करेगा वो येलो कलर की ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि अब आपने कलर पिक करके वो चीज़ को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। सो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन की, आप लाइन अपने जो है ना वो ऐड ऑन कर सकते हैं आप ज्वाइन करने के लिए सपोज ये है और आप क्या करना चाहते हैं इन दोनों का कंकेटिनेट करना चाहते हैं तो इन दोनों के लिए जो क्या करेगा वो लाइन हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप इसी तरह जाके अपने लाइन का कलर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, लाइन का कलर मैं करना चाहता हूँ ये वाला, तो अब आप उस जो लाइन ड्रॉ करेंगे उस कलर की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देख रहे हैं इसी तरह हमारा जो है वो है हमारा ट्रायंगल, आप फर्स्ट सिंपल ट्रायंगल जो है ड्रॉ हो रहा है आप उसको कलर दे देंगे तो उस कलर का ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। सो ये कुछ हमारे पास शेप्स पहले से प्री डिफाइंड बनी है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने वाइट बोर्ड के अंदर। आप प्लस का बटन दबाएंगे तो हमारा नया वाइट बोर्ड ऐड हो जाएगा। अब हम ग्राफ भी अपने जो है वाइट बोर्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं, आप जहाँ से ड्रैग करें और जहाँ पे जाके आप उसको ड्रॉप करेंगे वहाँ तक वो जो है ना वो हमारा ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह आप उसको क्या करें कलर दे देंगे तो सेम पिछली जो हमने फीचर आप दी देखा है उसी कलर का जो है ना वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। सो ये हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटी थी जो हमने आपको डिफाइन कर दी यहाँ पे। इसी तरह अब आप जाके नेक्स्ट भी वाइट बोर्ड ऐड कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं वो है हमारा इरेजर टूल। अब हम जैसे ही इरेजर टूल के ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं इरेज मतलब वो आपको पता है वो इरेज करने के लिए कोई भी चीज़ को, तो जो आपने स्टफ लिखा हो आप अगर उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इरेजर टूल लें और इरेज टूल करने के बाद आप उसको वहाँ से वो ख़त्म कर सकते हैं उस चीज़ को। अगर आपके पास कोई ज़्यादा स्टफ होगा तो आप उसको यहाँ से इरेज टूल के यूज़ करते हुए आप उसको अपने वाइट बोर्ड के अंदर से उस चीज़ को इरेज कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन हमने जो शेप्स ड्रॉ की हैं आप कहते हैं ये बहुत टाइम टेकिंग है प्रोसेस, आपकी शेप जो है फ़ौरन जो है ना वो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है वो है हमारा डिलीट शेप की। आप देख रहे हैं डिलीट क्रॉस बना हुआ है, अब अगर आपने ये शेप जो है वो डिलीट करनी है आप जस्ट उस शेप के ऊपर जाके क्लिक करें, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो शेप आप देख रहे हैं वो गायब होगी, कंट्रोल जी करेंगे तो दोबारा आ जाएगी, आप क्लिक करेंगे तो वो हमारी वो शेप जो है वो क्या हो रही है आप देख रहे हैं वो हमारी डिलीट होती जा रही है। जो जो शेप्स आप जिस जिस शेप के ऊपर आप जाके वो क्लिक कर रहे हैं हमारी वो शेप को क्या करता जा रहा है वो हमारी उस शेप को रिमूव करता जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस जिस आप जहाँ जहाँ भी जाके आप क्लिक कर रहे हैं उस शेप को वो क्या कर रहा है वहाँ से निगलेक्ट करता जा रहा है। ये थी हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल। अब हम आपको बताएंगे स्पेशल शेप्स के बारे में। स्पेशल शेप्स वो होती हैं जैसे 3D शेप्स हमारे पास होती हैं, उन शेप्स का लाइक ये हमारे पास 3D बॉक्स बन गया, इस तरह हमारे पास आप देख रहे हैं स्फेरिकल सिलेंडर भी पड़ा हुआ है, कोन पड़ी हुई है, हेक्सागोन है और ड्रॉप एरो है, अप एरो है, राइट एरो है, डाउन एरो है, तो कुछ आप एरोज भी अगर सपोज ये यूज़ करना है और इस एरो का कलर आप कहते हैं ब्लू हो जाए तो आप क्या करें वो एरर्स को थिकनेस आप जहाँ से ड्रैग करेंगे और जहाँ पे जाके आप उसको छोड़ेंगे वहाँ पे वो ड्रॉप करेंगे तो वो हमारी वो चीज़ जो है ना वो ड्रॉ हो जाएगी। सो हमारे पास ये कुछ स्पेशल शेप्स पहले से डिफाइन पड़ी हैं, आप इनको भी अपने यूज़ करते हुए अपनी क्लास के अंदर एलेबोरेट कर सकते हैं अपना पॉइंट। अब हमारा लास्ट जो हम आपको इस वर्चुअल क्लासरूम के अंदर जो है हमारा जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फुटर के बारे में। लाइक
हमने लाइव चैट सपोर्ट हमारे पास भी अवेलेबल है। आप इस लाइव सपोर्ट चैट के बारे में, आपको कोई भी फीचर यहाँ पे डिस्टर्बिंग है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप विद आई क्यू की जो ऑनलाइन हेल्प है, आप उस हेल्प को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज अ टीचर। आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे किस तरह आप जो आपका क्वेश्चन आप उन्हें बताएं, वो आपकी हेल्प करेंगे और आप उस उनकी हेल्प से वो पॉइंट को क्लियर कर लें। आप यहाँ पे डाउन पे देख रहे हैं फुटर के ऊपर, आपके पास अवेलेबल है एक ऑप्शन लाइव चैट बोर्ड की, आप उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारा एक लाइव जो है ना वो चैट बॉक्स ओपन कर देगा। इसके अंदर आपसे वो क्या रिक्वायर करेगा, आपका नेम रिक्वायर करेगा, आपका ईमेल एड्रेस रिक्वायर करेगा और फिर आपका क्या रिक्वायर करेगा, जो आपने क्वेश्चन उनसे पूछना है। वो लोड कर रहा है हमारी उस वीज़ आई क्यू ऑनलाइन हेल्प को। जैसे ही वो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होगी, हम उन्हें वो टेक्स्ट सेंड कर देंगे। उसके बाद वो क्या करेगा, आपको रिप्लाई करेगा और रिप्लाई करने के बाद आपका वो जैसे कि देख रहे हैं, जो अब आपने ईमेल एड्रेस से जहाँ से आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हुआ है, सेम वही आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन जो है ना वो राइट डाउन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सेंड मैसेज कर देंगे। आप जैसे ही सेंड मैसेज करेंगे लाइक हेलो, आप इसके बाद वो मैसेज सेंड कर देते हैं। तो जैसे ही वो सेंड करेंगे, अब वो आप क्या कह रहे हैं, थैंक यू, यू विल बी गेट इन टच विद यू सून। अब जैसे ही वो कोई रिप्रेजेंटेटिव आपका उनका ऑनलाइन होगा, तो वो आपको फ़ौरन आपको मैसेज कर देगा और आपको रिप्लाई करेगा और आपकी जो भी क्यूरी होगी उसको रिजॉल्व करके आपको लाइव जो है ना वो सपोर्ट करेगा, आपको डिफाइन करेगा और आपका जो भी पॉइंट होगा वो इंशाल्लाह क्लियर करेगा। अब हमारा नेक्स्ट है वो है, हमने अपनी क्लास के अंदर जो है वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं और रिज्यूम भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्लास का टाइम भी जो है साथ साथ हमें बता रहा है, क्लिक टू रिकॉर्डिंग ऑन है हमारी। अब वो क्या कर रहा है, अगर आपने पॉज करनी है रिकॉर्डिंग तो आप इसके ऊपर जस्ट पॉज करें। अब वो हमें डिफाइन भी किया, उसने क्या किया, एक मैसेज शो करवाया आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज हो चुकी है। आप इसको जैसे ही दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारी वो रिकॉर्डिंग है वो रिज्यूम भी हो जाएगी। इस तरह आप अपने कोई ब्रेक लेनी है या आपने कहीं पे आपको कोई इमरजेंसी काम है तो आप वहाँ पे कुछ देर के लिए उसको रोक सकते हैं वीडियो को और उसके दोबारा आके आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेप्स टाइम के बारे में। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे उसने टाइम डिफाइन कर दिया, आपकी क्लास का जो टाइम है वो क्या है, रिमेनिंग 29 मिनट्स एंड 9 और लेस देन 8, 6, 5, इस तरह वो रिमेनिंग मिनट्स रहेंगे। आप कहते हैं आपका जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, आप अपनी क्लास का ड्यूरेशन इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक वॉइस ही बनी हुई है, आप उसके ऊपर लिखा हुआ है, जैसे ही आप उसको ऊपर लेके जाएंगे अपना कर्सर तो वो लिखा हुआ है क्लिक टू एक्सटेंड क्लास टाइम। आप उसके ऊपर क्लिक करें, फिर आप उसको जस्ट बताएं, सेलेक्ट करें बाय 5 मिनट, बाय 10 मिनट, बाय 15 मिनट, ऑल्टर क्या करें, आपको बता दे पहले कितनी देर पहले बता रहे, 5 मिनट्स पहले बताए, 10 मिनट्स बताए या 15 मिनट बताए। आप कहते हैं 5 मिनट पहले मुझे ऑल्टर कर दें। इस तरह आप जाके वहाँ पे अपना टाइम अप टू 240 मिनट्स तक उसको इंक्रीज कर सकते हैं अपनी क्लास को, उसके बाद ओके कर देंगे। तो अब आप देख रहे हैं उसने हमारा जो टाइम है वो इंक्रीज करके 48 मिनट्स कर दिया है। सो इस तरह हम अपनी क्लास का टाइम जो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो ये थे वो फीचर्स जो विज आई क्यू की वर्चुअल क्लासरूम के अंदर अवेलेबल थे। होप सो आपको सारे जो है पॉइंट्स वो क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं अपनी PPT फाइल की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। होप नाउ ऑल इज सेट एंड यू आर रेडी टू गो। होप दिस गाइड इज हेल्पफुल फॉर यू इन केस ऑफ एनी क्यूरी। अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें इस ईमेल एड्रेस के ऊपर जस्ट हमें मैसेज करें या मेल करें, तो हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो फर्दर उसको इंशाल्लाह आपका हेल्प करेंगे और हेल्प करके आपको सॉर्ट आउट करके वो प्रॉब्लम आपको उसका प्रॉपर सोल्यूशन बताएंगे। सो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।